कुछ नंबर सीखे तो आपको भी वो नंबर्स जो है वो अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। पहला नंबर है 5, तो 5 के बाद कौन सा नंबर आता है? तो जैसे आपको पता है 5 के बाद आता है 6, तो आपको यहाँ पे लिखना है 6। सिमिलरली 12, 1 2 12, तो 12 के बाद कौन सा नंबर आता है? 12 के बाद आता है 1 3 13। देन 25 के बाद कौन सा नंबर आता है? 25 के बाद आता है 2 6 26। उसके बाद है 37, तो 37 के बाद कौन सा नंबर आता है? 38 38, तो आपको ब्लैंक में लिखना है 38 38। उसके बाद है 5 to 52, तो 52 के बाद कौन सा नंबर आता है? 5 to 52 के बाद आता है 53 53। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट नंबर है 8181 के बाद आता है 8282। और लास्ट नंबर है 9696 के बाद कौन सा नंबर आता है? 9797। तो ये हो गया आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर का मतलब होता है किसी भी नंबर के बाद उसके नीचे कौन सा नंबर आता है वो आपको लिखना है। उसके बाद हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है बिफोर नंबर। बिफोर नंबर यानी कि किसी भी गिवन नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए गए, ये नंबर्स भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है। और फिर बिफोर नंबर यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 9 है, तो 9 के पहले कौन सा नंबर आ जाता है? जैसे 1 से काउंट करते हो आप, तो 9 के पहले आप कौन सा नंबर बोलते हो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 के पहले आपने क्या कहा? 8। तो 9 के पहले आता है 8, तो आपको यहाँ ब्लैंक में लिखना है 8। सिमिलरली सेकेंड नंबर है 18, तो 18 से पहले कौन सा आता है? 1 8 18 से पहले कौन सा नंबर आता है? 1 7 17। उसके बाद 2 to 22, तो 22 से पहले कौन सा नंबर आता है? 21। देन 3 5 35, तो 35 से पहले कौन सा नंबर आता है? 34। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर है 7 6 76, तो 76 से पहले आता है 75। 91 91 से पहले कौन सा नंबर आता है? 90 90। और उसके बाद 98 98, तो 98 से पहले कौन सा नंबर आता है? 97 97। ये होगा आपका बिफोर नंबर, यानी किसी भी नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है। नाउ अवर थर्ड कॉन्सेप्ट इज बिटवीन नंबर। तो आपको ये सारे नंबर्स भी आपके नोटबुक में पहले लिख लेने और फिर हमें इसका आंसर लिखना है। तो जैसे दो नंबर्स दिए गए, बिटवीन नंबर का मतलब होता है किसी भी दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, तो 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद आता है 5, तो 3 और 5 के बीच में आया 4, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना है। सिमिलरली 9 और 11 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 9 के बाद आता है 10 और 10 के बाद आता है 11, तो 9 और 11 के बीच में आया 10, तो वो 10 आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 24 के बाद आता है 25 और 25 के बाद आता है 26, तो 24 और 26 के बीच में आया 25। उसके बाद 32 और 34 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 32 के बाद आता है 33 और 33 के बाद आता है 34, तो 32 और 34 के बीच में आया 33। उसके बाद 45 और 47 दो नंबर्स दिए, 45 47, उसके बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 45 के बाद आता है 46 और 46 के बाद आता है 47, तो 45 और 47 के बीच में आता है 46। 67 और 69 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 67 के बाद 68 और उसके बाद 69, तो 67 और 69 के बीच में 68 आ गया। सिमिलरली 88 और 90 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो 88 के बाद आता है 89 और 89 के बाद आता है 90, तो 88 और 90 के बीच में आ गया 89। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है। आफ्टर नंबर यानी किसी भी नंबर के बाद में कौन सा नंबर आता है, बिफोर नंबर का मतलब होता है किसी भी गिवन नंबर
जो चार नंबर हमारे पास है 8, 2, 9 and 4, तो इन चार नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है? 8, 2, 9 और 4 में से छोटा है 2, तो अब आएगा 2। उसके बाद तीन नंबर हमारे